आपको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, तो प्रार्थना को पूरी जरूर सुनिएगा ताकि आपके जीवन से सारी बीमारियां, सारे दुख दूर हो सके, और लास्ट में आमीन जरूर बोलिएगा। तो चलिए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 मेरे ईश्वर के पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर सी रात के लिए पिता परमेश्वर, जो सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर रखा, जीवित रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि आज के दिन हम सबों से जो गुनाह जो गलती हुआ है पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और शुद्ध कर पिता परमेश्वर, हम सबके दिल और दिमाग को धुलकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। जैसा तू पवित्र है वैसे हम सबको पवित्र बना पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो है मसीह पिता परमेश्वर, जो रात को सोता है पिता परमेश्वर, गंदे सपने आते हैं पिता परमेश्वर, दुष्ट प्रभु जी उन्हें डराता है पिता परमेश्वर, शैतान उन्हें डराता धमकाता है पिता परमेश्वर, आपके समर्थी नाम से खुदा ने सुमसी आपके जलाली नाम से वो दुष्ट आत्मा कोसो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन से उनके लाइफ से पिता परमेश्वर आत्मा कोसो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, शैतानी आत्मा कोसो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और उनका जीवन पिता परमेश्वर तेरे ही हाथों में मैंने सौंप दिया है पिता परमेश्वर, उनका जीवन तू संभाल पिता परमेश्वर, उनके अंदर पवित्र आत्मा हो पिता परमेश्वर, और वो पवित्र आत्मा के चलाए चले पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो तेरे प्रेम और तेरे पहचान में पढ़े पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि तू महिमा करने की योग्य है, तारीफ करने की योग्य है पिता परमेश्वर, प्रशंसा करने की योग्य है, तेरे नाम की स्तुति बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो रात को पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी जो रात रात में आते जाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा मदद कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है जहाँ जहाँ तेरे भक्त जाएंगे तो तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहेंगे, है पिता परमेश्वर, उनको हर एक मुसीबत और खतरे से बचा पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक एक्सीडेंट से बचा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, एडमिट है पिता परमेश्वर, अपने किसी भी रोग को लेकर पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, जहाँ उनके रोग है पिता परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ पिता परमेश्वर उनको लगा पिता परमेश्वर, छू ले उनको ताकि उनकी सारी बीमारियां यीशु मसीह के समर्थित नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह के समर्थित नाम से कोसो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, वो सारी बीमारियों से आजाद हो सके, और अपने पैरों पर खड़े होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम को जय जयकार करे पिता परमेश्वर, तुझे पहचाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। संसार में देश में नाम तो अनेक है, लेकिन सच्चा परमेश्वर तू है, जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है, है पिता परमेश्वर, जो अन्य लोग भी पिता परमेश्वर तुझ पर नहीं विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनको चुन पिता परमेश्वर, वो तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर और तुझ पर विश्वास करें, उन वो पहचाने पिता परमेश्वर कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो गरीब है पिता परमेश्वर उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर, 200-300 रुपए के लिए पिता परमेश्वर किसी के आगे हाथ न फैलाएं पिता परमेश्वर, हम सबको देने वाला बना पिता परमेश्वर, लेने वाला नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अनाथों का पिता तू है, विधवा का मुकदमा लड़ने वाला यहोवा तू है, संकट के दिन यहोवा को पुकारो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा, अगर सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करोगे वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा, और जो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना को यहोवा सुनेगा या नहीं सुनेगा वो समुद्र की लहरों के समान है। हे पिता परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्ग से मेरी प्रार्थना का उत्तर दे पिता परमेश्वर, जो मसीह प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उसको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, वो तेरे प्रेम और तेरे पहचान में पढ़े पिता परमेश्वर, वो अपनी सारी बीमारियों सारे रोगों से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज भी पिता परमेश्वर ट्यूमर से कैंसर से पिता परमेश्वर हर एक और बीमारियां है पिता परमेश्वर, वो बीमारियों को लेकर जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके समर्थित नाम से उनकी सारी बीमारियां उनके शरीर से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, उनके शरीर से कोसों दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए सूली पर कुर्बान हुआ, हमारे और आपके लिए उसने बलछी खाई है, अपना पवित्र लहू बहाया है, उसने हमसे बहुत प्रेम किया, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसका प्रेम सबसे बड़ा है, जिस तरह उसने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी यीशु मसीह से प्रेम कर सकें। हे पिता परमेश्वर हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर,
तुमसे बहुत प्रेम और बहुत प्यार करता है पिता परमेश्वर। तूने अपना लहू बहा के हम सबको मूल्य खरीदा है पिता परमेश्वर। हम तेरे हैं पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी तेरे प्रेम और तेरे पहचान में पढ़े पिता परमेश्वर। जैसे तूने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। जैसे अपनों से प्रेम करते हैं उसी तरह पड़ोसियों से भी प्रेम करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करे और आपके नाम के झंडे खड़े करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तेरे नाम की प्रशंसा स्तुति बढ़ाई होती रहे पिता परमेश्वर। युग नियुग होती रहे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्ग के पिता जो इस समय इस शाम को दिखाई और जीवित रखा पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक मसीह पिता परमेश्वर जो तेरा वचन पढ़ता है पिता परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान दे वचन के द्वारा। उन सबों से बातचीत कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। वचन में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तूने कहा है आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी लेकिन यहोवा का वचन यहोवा की बातें कभी नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। वचन में जो हर एक बार लिखी है वो पूरी होगी। जो वचन के अनुसार चलता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। हे पिता परमेश्वर हम सबको बहुत बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम सब प्रभु जी वचन में मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। अपने तेरा वचन अपने जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर। हासिल करने पाए पिता परमेश्वर ताकि शैतान को पिता परमेश्वर आपके वचन से हरा सके पिता परमेश्वर। जैसे तूने शैतान को वचन के द्वारा हराया था उसी तरह प्रभु जी हम सबको भी बुद्धि और ज्ञान दे और हमारे भी अंदर वचन हो ताकि हम भी शैतान को वचन के द्वारा हरा पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी शैतान को तेरे वचन के द्वारा हराएंगे पिता परमेश्वर। हम सबको बहुत मजबूत कर पिता परमेश्वर। हमारे भी अंदर वचन हो पिता परमेश्वर। पाप करके परमेश्वर को आप लज्जित मत करो। अगर आप पाप करते हो तो यहोवा की बेइज्जती होती है। शैतान उसकी बेइज्जती करता है प्रभु लज्जित होता है। जो यहोवा के पीछे चलता है वो लज्जित कभी नहीं होता है। जो यहोवा से दूर है वो लज्जित होता है। संकट के दिन यहोवा को पुकारो तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मूर्तियों और देवताओं के तो हाथ होते हैं लेकिन वो तुम्हें छू नहीं सकती। आंखें होती हैं लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकती हैं। पैर होते हैं लेकिन वो चल नहीं सकती हैं। लेकिन मेरे सच्चे परमेश्वर के पास सब कुछ है। वो तुम्हें देख भी सकता है और तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी सकता है और संकट और मुसीबत के दिन वो तुम्हें छुड़ा भी सकता है। मेरे यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसके पीछे चलो। उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है। उद्धार करने वाला परमेश्वर वही है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है और स्वर्ग का अधिकार भी यीशु मसीह को दिया गया है। हम सबको पिता परमेश्वर वचन में मजबूत कर पिता परमेश्वर। और हम सब प्रभु तेरे प्रेम और पहचान में बढ़े पिता परमेश्वर। हर एक जन को बताएं कि सच्चा परमेश्वर तू है। तेरे नाम के प्रभु जी झंडे खड़े करें पिता परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक मसीह को बहुत बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह की सहायता मदद को पूरी कर पिता परमेश्वर। उनकी हर एक इच्छाओं को पूरी कर पिता परमेश्वर। आज के सुंदर से शाम तेरे चरणों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक मसीह को बुद्धि और ज्ञान दे। हर एक मसीह को प्रभु जी तेरे पंखों तले तेरी आड़ में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर। उन पर उन सबों पर तेरा आशीष और दया का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ। आमीन।